अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज का जो मेरा अमल है, आज जो मैं वजीफा आपकी बारगाह में लेकर हाजिर हुआ हूँ, आज का मेरा ये वजीफा सर के सफेद बालों को काला करने का है। जिन इस्लामी भाइयों के या जिन इस्लामी बहनों के वक्त से पहले, उम्र से पहले सर के बाल सफेद हो चुके हैं, अब सफेद बालों को काला करने के लिए तरह तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल कर ली, तरह तरह के तेल यूज करके देख लिए, लेकिन सफेद बाल काले नहीं हो रहे हैं। जो हमारे इस्लामी भाई या हमारी इस्लामी बहनें सफेद बालों को काला करना चाहते हैं, उन हजरात के लिए आज की मेरी ये वीडियो, मेरा यह वजीफा बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। नाज़रीन, अगर आप हजरात इस कीमती वजीफे को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो मेरी मुकम्मल वीडियो देखें, वीडियो को जरा भी स्किप ना करें। इंशाअल्लाह फकीर आपको बताने की और समझाने की कोशिश कर रहा है। चलिए नाज़रीन, मैं आपको वजीफे की तरफ लेकर चलता हूं। नाज़रीन, जो हमारे इस्लामी भाई या हमारी इस्लामी बहनें सफेद बालों को काला करना चाहते हैं, उन हजरात को चाहिए सबसे पहले मेडिकल स्टोर से या मार्केट से जाके जैतून का तेल ले लेना है। उसके बाद घर आना है, घर आने के बाद वापस होना है, उस तेल को अपने सामने रख लेना है और 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है। उसके बाद 13 मरतबा सूरह फातिहा यानी 13 मरतबा अलहम्दु शरीफ को पढ़ना है। उसके बाद 7 मरतबा सूरह लैल को पढ़ना है, जो कि 30वें पारे की एक छोटी सी सूरत है, सूरह लैल 7 मरतबा उसको पढ़ना है। आखिर में फिर 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है और उस तेल पर दम कर लेना है। नाज़रीन, एक मरतबा और समझ लीजिए, सबसे पहले आपको जैतून का तेल लेना है, खरीद लेना है, घर आना है, वापस होना है। उसके बाद 3 मरतबा आपको दरूद शरीफ पढ़ना है और 13 मरतबा आपको सूरह फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ को पढ़ना है और 7 मरतबा सूरह लैल को पढ़ना है, जो कि 30वें पारे की एक छोटी सी सूरत है, 7 मरतबा उसको पढ़ना है। आखिर में फिर 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है, उस तेल पर आपको दम कर देना है। नाज़रीन, अब उसको यूज करने का तरीका सुन लीजिए। हमारे इस्लामी भाई रोजाना इसको यूज करें, उसी तेल को रोजाना इस तरीके से उंगलियों पर लेना है तेल, और बालों की जड़ों में इस तरीके से हल्के हाथ से लगाना है। हमारे इस्लामी बहने हफ्ते में 2 मरतबा यूज करें। नाज़रीन, इस वजीफे को, इस पड़े हुए तेल को आपको कम से कम 21 रोज तक चलाना है। अगर कम हो जाए तो और दुकान से खरीद लें और उसमें डाल लें। कम से कम बता रहा हूं 21 दिन और ज्यादा से ज्यादा 41 दिन तक आपको ये करना है। नाज़रीन, इसके साथ में आपको एक टिप्स बता देता हूं, बहुत ही काम की है। आपको एक मुरब्बा खरीद लेना है, यानी जिसका नाम हरेड़ का मुरब्बा है, मुरब्बा हरेड़ को ले लेना है और आपको सुबह और शाम थोड़ा थोड़ा चम्मच में लेके उसको खाना है। इंशाअल्लाह तबारक बताला आप तेल भी यूज करेंगे और उसके साथ में इस मुरब्बे को, हरेड़ के मुरब्बे को यानी मुरब्बा हरेड़ को किसी भी जगह से खरीद लेना है और थोड़ा थोड़ा सुबह और शाम करके इसको खाएंगे। और तेल को हमें जो है सर में लगाना हल्के हाथ से, हमारे इस्लामी भाई रोज लगा सकते हैं और हमारे इस्लामी बहनों के बाल लंबे होते हैं, उनको हफ्ते में 2 मरतबा लगाना जरूरी है। इस तरीके से हल्के हाथ से जड़ों में लगाना है। इंशाअल्लाह तबारक बताला आप हजारों रुपए की दवाइयां खर्च कर चुके हैं, हजारों रुपए खर्च कर चुके हैं, आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो नाज़रीन अल्लाह तबारक बताला की इजाज़त से उम्मीद है अगर आप हजरात इस वजीफे को करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक बताला आपके बाल, सफेद बाल बहुत जल्द काले हो जाएंगे। नाज़रीन, आज का मेरा वजीफा, आज का मेरा अमल यही था। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो दिल से लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर रोज मैं इसी तरीके के वजीफे लाते रहता हूं। नाज़रीन, अब आप हजरात मुझे इजाजत दें, इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।